सोनू की बहुत याद आती है। तुम्हें लगता होगा हम भूल गए उसको, मुझे बोलिए एक बार हंस कर दिखाओ ना। क्यों ऐसे? ऐसे कल से हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? है ना सर, तिवारी जी का है। क्या हुआ? बोले को हमको मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है आपको सिंह साहब? बच्चू यादव के लोग। बच्चू यादव जिंदा है? हम तो सुने थे तुम उनकी टांग तोड़ने वाले थे। देखो सर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारे परिवार पर हमला हुआ है। तुम कुछ करते हो या नहीं? रिपोर्ट लिख लो, अगर कह रहे हो तो लिख लो रिपोर्ट। हुसैन, हमने कुछ बोला सुने कि नहीं? रिपोर्ट लिख रहा है ना, वो देखते हैं क्या कर सकते हैं। किस बात का रिपोर्ट? अरे सिंह साहब, अब भूल गए क्या कानून? हाँ, पहले रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी ना, फिर सोचना पड़ेगा क्या चार्जेस लगाने हैं। बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। अब जाइए यहाँ से, हमारा समय मत बर्बाद कीजिए, हमें सोना है अब। जब तक तिवारी जी नहीं आते हम नहीं जाएंगे यहां से। ए पंडित जी, लॉकअप खोल दीजिए, आज यही रहेंगे।
भाभी को भी देरी ठिकाना है क्या? भाभी जी को रखेगा भाभी जी को ठिकाने समझने की कोशिश कीजिए समर साहब, समर साहब अब आपका पावर नहीं है यहाँ, इस समय आपको किसी भी सेक्शन में अंदर कर देगा तो हम भी आपको बचा नहीं पाएंगे समर साहब, समर साहब आपके साथ भाभी जी हैं, घर चलिए समर साहब, समर साहब घर चलिए, घर चलिए। प्रताप सिंह बच गया, बना इसको जी, बना इसको, चल बैठ यहां, चल बैठ, 30 सेकंड के अंदर बनना चाहिए, मैं गिनना शुरू करता हूं, 21 24 27 29। एक बात कहें, करने को तो मानिएगा, देखिए अगर नहीं समझिएगा तो चुकाना तो आप ही को पड़ेगा, अब देख नहीं रहे हैं आप तो क्या करें, माफी मांग लीजिए, कौनो बुराई नहीं है, आप उंगली उठाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रास्ता है, माफी मांग लीजिए। तिवारी जी आप ऐसी बात कह भी कैसे सकते हैं हमसे, और कोई चारा नहीं है, देखिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, अब आप पुलिस में नहीं हैं, एक आम आदमी हैं, हम आपके साथ हैं क्योंकि हम आपकी कदर करते हैं। आप कदर करते हैं तभी आप बोल रहे हैं कि बच्चू यादव के दरवाजे का हम कुत्ता हो जाए। अरे माफी मांग लेने से आप कुत्ता नहीं हो जाइएगा। देखिए माफी मांगना तो दूर, हम उस आदमी के परछाई के आसपास भी नहीं जाएंगे। तो मत जाइए, जाके दरिया में डूब जाइए और साथ में इनको भी ले जाइए। अरे सर पे कफन बांधने का जमाना नहीं है, शहीदों को बेवकूफ कहते हैं लोग। इसलिए लोग हिजड़े हैं यहाँ पर, और हिजड़े क्या कहते हैं हमारे बारे में हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी सलाह उसको दीजिए जो आपकी सलाह लेना चाहे। मत लीजिए मेरी सलाह, जब अपने मन का ही करना है तो बुलाते काहे के लिए हैं, हम ही बचे हैं आपका अड़ियल पल झेलने के लिए। तो झेलने की जरूरत नहीं है तिवारी जी, अगर आपको हमसे परेशानी है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप जाइए इधर से, ना ही हमें आपकी सलाह की जरूरत है ना ही हमें आपकी मदद की जरूरत है। भाभी जी जाइए, तिवारी जी जाइए, तिवारी जी बहुत तकलीफ है ना आपको, जाइए जाइए तिवारी जी। भाभी जी तिवारी जी गलत नहीं बोल रहे थे, तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे हम? हम बोले ना चुप रहो। कब तक चुप रहे हम? क्यों सुने हम आपकी? हमेशा से तो आपकी सुनते आने में लाई क्या सुन के? बेटी खो दी, घर खत्म हो गया, एक तिवारी जी थे उनको भी घर से बाहर निकाल दिया आपने, जिन्हें आपकी चिंता है उनकी नहीं सुनेंगे आप, चुप करा देंगे। मंजरी तुम चुप हो जाओ, तिवारी जी आप चुप हो जाइए, जिस तरह आपने तिवारी जी को घर से बाहर निकाला है ना, एक दिन पुलिस वाले हम दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे, कहां जाएंगे? नौकरी भी तो नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो गया है, लेकिन आप नहीं झुकेंगे, घूमते फिरिए पूरे शहर में इस अकड़ के साथ, पागल कहते हैं लोग आपको, हंसते हैं आप पे, इतनी भड़ास निकाली थी तो जान से क्यों नहीं मार देते बच्चू यादव को? क्योंकि डरते हैं हम।